केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 31वें आहार 2016 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ और आतिथ्य मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 100% विदेशी पैसा लगने से किसानों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकेगी और ये विदेशी पैसा किसानों के दरवाजे तक बुनियादी ढांचा तैयार करने में भी मदद करेगा। जो हिंदुस्तान में उगता है और हिंदुस्तान में प्रोसेस होता है उसमें आप 100% विदेशी पैसा लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे किसानों के लिए और हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि विदेशी पैसा आके वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिससे किसान के दरवाजे तक, उसके खेत तक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन होगी। ये जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, किसान के फसल की बर्बादी होती है, उसे कीमतें नहीं मिलती, खरीदने वाले को महंगा मिलता है क्योंकि जब वेस्टेज होती है तो फिर कमी पड़ती है और कमी पड़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एड्रेस करेगा। संसद परिसर